आज मैं बता रही हूँ आपको आप अपनी शर्ट के अंदर चकोर मोंडा कैसे बना सकते हैं। तो इसको कुर्ता स्टाइल भी कहते हैं। ये बनाना भी बहुत आसान है और बहुत जल्दी बन जाता है ये। तो चलें इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। फिर तो ये देखें, हमने डबल करके इसको बिछाया हुआ है और इस तरह से हमने लंबाई और चौड़ाई निकाल ली है। दोनों मैंने फ्रंट और बैक दोनों को बिछा के रखा हुआ है। तो ये जो हमारा जुड़ा हुआ साइड है, इधर से नहीं काटेंगे हम, हमें यहाँ से काटना होगा। ये जो हमारा खुला हुआ साइड है, तो ये हमारे इस तरह से चार पीस हैं। एक ये हमारा बैग वाला है, इसको भी डबल किया हुआ है, और ये फ्रंट वाला है, इसको भी मैंने डबल करा हुआ है। अब यहाँ से हम इसको नापेंगे इस तरह से, जितना हमें शोल्डर रखना है। तो तैयार, हमने शोल्डर रखना है 14 इंच। तो यहाँ पर मैं इसमें आधा इंच एक्स्ट्रा रख लूँगी सिलाई का मार्जिन। तो ये हमारा हो गया 7.5। तो 7.5 पर हम यहाँ इस तरह निशान लगाएंगे, और ये हम चकोर मोंडा बना रहे हैं, गोल वाला नहीं। तो यहाँ से 8 इंच पर निशान लगाएंगे, और यहाँ से हम इस तरह सीधी लाइन डाल लेंगे। यहाँ से ये आधा इंच क्रॉस वाला निशान दूंगी। यहाँ से 3 इंच पे नेक का निशान लगा लेंगे। ये नेक की चौड़ाई है, और इसी तरह फिर हम पीछे का जो बैक का गला बनाएंगे वो 3 इंच पे कटिंग करेंगे। यहाँ से इसको इस तरह राउंड वाला शेप दे देंगे। फिर मैं फ्रंट का अलग से करके इसको काटूंगी। तो इसके अंदर ज़्यादा कटिंग नहीं होती है, और साइड की कटिंग नहीं देंगे हम यहाँ पर। इसके अंदर और कोई कटिंग नहीं होती है, बस यहाँ पे इस तरह से इसको चकोर निकाल देते हैं। अब यहाँ से साइड की कटिंग नहीं करूँगी, क्योंकि ये मुझे लूज़ फिटिंग रखनी है। और यहाँ पे नेक का निशान लगा लेंगे एक साथ सब पे, फिर हम इसको अलग अलग करके काटेंगे फ्रंट और बैक को। तो ये देखें, आस्तीन का कपड़ा है, और ये दोनों आस्तीनों का एक साथ ही है। इसको बराबर मिलाते हुए एक दफ़ा मैंने डबल किया, और उल्टा ही रखा हुआ है कपड़े को। एक दफ़ा और इसको फोल्ड करूँगी, यानी ये हो जाएगा 4 फोल्ड। ये आस्तीन की लंबाई है, तो ये मैं रखूँगी यहाँ से सादा निकाल दूँगी, तो 18 इंच की होगी। और चौड़ाई भी देख लें, तो चौड़ाई आ रही है इसकी यहाँ पे 8.5 इंच। अब इसके अंदर भी कोई कटिंग नहीं होगी इतनी, सिर्फ इसको हम यहाँ से सीधा करेंगे, यहाँ पर सेंटर का निशान लगा लेंगे। अब आस्तीन मुझे यहाँ खुली रखनी है, तो मैं ज़्यादा यहाँ से नहीं काटूँगी। अगर आपको यहाँ से कम रखनी है आस्तीन, तो यहाँ से आप इसको कटिंग करके कम भी कर सकते हैं। तो मुझे यहाँ पे खुली ही आस्तीन रखनी है, तो यहाँ आगे से मैं रखूँगी इसको 8 इंच, और 8 इंच करते हुए यहाँ से इसको बस शेप देना है हमें हल्का सा। इसमें और कटिंग नहीं आएगी, बस इसके अंदर यही कटिंग है। तो इसको जब हम यहाँ सिलाई लगाएंगे, तो सिलाई लगाते वक्त हमें इस तरह लगाना होगा, जो हमने सेंटर का निशान इसमें यहाँ पे लगाया है शोल्डर की सिलाई लगाने के बाद, इसको इस शेप में फिर हम यहाँ पे इस तरह सी देंगे। जिस तरह ये आ रहा है पूरा बना हुआ, इसी तरह हम इसको यहाँ पे सी देंगे। यहाँ से देखें, जितना हमने शोल्डर कटिंग किया है, यानी जितना मैंने इसको शोल्डर को काटा है, आस्तीन की चौड़ाई हमें इतनी ही रखनी होगी। बस थोड़ा सा हम यहाँ से मार्जिन देंगे आस्तीन के कपड़े को यहाँ से, कि ये दब जाए। और आगे से भी फिर हमें, आप देख लेंगे आपको कितना आगे से रखना है। तो ये आजकल फैशन में ज़रा चौड़ी आस्तीन आई हुई है, तो हम इस हिसाब से चौड़ा ही रखेंगे इसको। तो चलिए हम इसकी फिर स्टिचिंग स्टार्ट करते हैं। तो पहले, सबसे पहले हमें यहाँ से शोल्डर की सिलाई लगानी है। तो यहाँ से फ्रंट और बैक दोनों को मिलाते हुए पहले हम शोल्डर की सिलाइयाँ लगा लेंगे। तो यहाँ से देखें, शोल्डर की सिलाई लगा ली है हमने, और अब हम यहाँ पे बेल लग के लगाएंगे। तो यहाँ देखें, मुझे इसमें बेल लगानी है, तो पहले हमें यहाँ पे बेल लगानी होगी। बेल लगा के फिर हम इसको इसके आस्तीन इसके साथ लगाएंगे। तो यहाँ देखें, पहले मोंडे में हम बेल लगा लेंगे, और बेल को हम इस तरह रख के लगाएंगे। तो हम पहले बेल को उल्टा करके रखेंगे यहाँ पे, उल्टा करके रख के यहाँ पे पूरे में इसमें सिलाई लगा लूँगी मैं। इसी तरह हम अपनी दूसरी आस्तीन में भी पहले बेल लगा लेते हैं। तो यहाँ देखिए, मैंने दोनों शोल्डरों पर इस तरह बेल लगा लिए, और अब ये जो कॉर्नर आए हमारे, कॉर्नरों पे हम कट लगाएंगे। जहाँ तक हमने बेल लगाई है, वहाँ तक हमें हल्का सा इसमें कट लगाना है। यहाँ इसी तरह मैं चारों पे लगा लूँगी कट। और अब यहाँ से हम आस्तीन को रखेंगे, और जो इसका ये सेंटर है,
इस सेंटर को हम इससे मिलाएंगे। इस तरह जो सेंटर की सिलाई, ये जो सेंटर का कट है आसिन का और ये शोल्डर की जो सिलाई है, इसको हम यहाँ पे इस तरह रखेंगे बिल्कुल इसके यहाँ पे बराबर, और यहाँ पे इसको पिनअप कर लेंगे। तो पहले मैं यहाँ इसको पिनअप कर लेती हूँ और अब यहाँ पे इस तरह से बस सिलाई का अंदर कपड़ा हमें रखना है और इस तरह ऊपर हम सिलाई रखते हुए इस तरह इसको घुमाते हुए जहाँ तक की ये आ रही है हमें वहाँ तक की रखनी होगी। तो हम यहाँ से पूरी इसमें सिलाई लगा देंगे। फिर दोनों साइडों पे हमें इसी तरह करना होगा, ये बहुत आसान है लगाना। इसी तरह अब बिल्कुल इसी तरह हमें दूसरी आस्तीन भी लगा लेनी है। तो ये देखें हमने चौकोर मुंडा कितना आसानी से आपको लगाना बताया बेल के साथ। और ये देखें इसकी ज़्यादा कटिंग भी नहीं है और इसमें ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता, बिल्कुल बहुत ही जल्दी और बहुत आराम से ही बन जाता है।